नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपको घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा आपका मन एकदम है ना खिन्न हो जाता है, टेंशन में आपका दिमाग पूरा भर जाता है और एकदम आपको बेचैनी होती है, बंद कमरे के अंदर आप रह नहीं सकते, पिक्चर हॉल के अंदर जाए तो घबराहट और बेचैनी इतनी ज़्यादा होती है कि पूछो मत, बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। तो आज हम समझेंगे कि इसका कारण कहां से शुरू हुआ आपके शरीर में, ये सारी चीजें गंदगी, ये समस्या कैसे पनपा आपके शरीर में और इसका इलाज भी आज हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप ये देख लो कि आज से 1.5 या 2 साल पहले या अभी भी आप कुछ क्या ऐसा कर रहे हैं जो कि जैसे योगासन हो गया, कोई जिम में जाकर के, ऐसा कुछ जो आपके सामर्थ्य से अधिक अगर आप कुछ कर रहे हो। जैसे मैं बहुत देखता हूं कि जोर जोर से कुछ इस तरह के लोग यूट्यूब में बताते हैं प्राणायाम करने की विधि, जोर से श्वास खींचो, जोर से श्वास को छोड़ो और एकदम पेट को अबड़ खबड़ करना, पता नहीं क्या क्या चीजें बताते। दोस्तों ये सभी चीजें एक सिर्फ सोशल साइड में लोगों को बताने के लिए या अपने वीडियोज को चमकाने के लिए, अपना पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए हो सकता है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए नहीं। वो सारी चीजें आपके शरीर को हानि करने वाले हैं। ध्यान देना, हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ही योगासन करना है। प्राणायाम का एक ही विधि है, यहां से श्वास खींचते वक्त ऐसा कि आपके बगल में यहां अगर आप कुछ पाउडर रखोगे तो खींचते वक्त श्वास उस पाउडर को ना हिलाए, और यहां से छोड़ते वक्त जब आप श्वास छोड़ते हो तो यहां के पाउडर उड़ना नहीं चाहिए, तो बस हल्का धीमे धीमे श्वास को खींच करके पूरा भरना है, उसके बाद रोकना है, उसके बाद उसको धीरे धीरे छोड़ना है। बस यही प्राणायाम का असली तरीका है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी करते हो हड़बड़ाहट में, जल्दीबाजी में, है ना, आप अपने सामर्थ्य लगता है कि भाई मैं तो जवान हूं, जोर जोर से करूंगा, तो ये सारी चीजें आपको डिप्रेशन, घबराहट, एंजाइटी, ये सारी चीजें देने वाला है। कुछ चपड़गंज टाइप के जो लोग हैं यूट्यूब में आकर के आयुर्वेदिक उपचार बताते हैं, जहां पर मैंने देखा, एक चीज आप समझ लो कि अर्जुन का छाल हृदय के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन अर्जुन का छाल का जो रस है वो कषाय गुण वाला है। कषाय जो गुण है उसका एक ही धर्म यह है कि वो चीजों को क्या करता है, संग्रहण करता है, स्तंभन करने का कार्य करता है। अगर आपका शरीर कफ प्रदान व्याधि से युक्त है, अगर आपको बहुत ज्यादा उबासी आती है, अगर आपको बहुत ज्यादा बार बार नींद आती है, बार बार आपको आलस्य आता है, शरीर में गौरवता यानी भारीपन महसूस, आप YouTube में सर्च करके देख लो कि कफ का क्या क्या लक्षण है, वो सभी या उनमें से बहुधा लक्षण अगर आपके शरीर में दिखे तो आपको कभी भी अर्जुन का छाल स्वतः पानी में उबाल के नहीं पीना है। अब मेरे बात न मान करके पियोगे तो इसमें मेरा तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कषाय है वो कफ के परमाणुओं को स्तंभन करेगा, इससे आपके हार्ट अटैक होने का ज्यादा संभावना बन जाता है। ऐसे सिचुएशन में अर्जुन का जो काढ़ा, जो छाल है, उसको दूध में पका करके उसमें घी डाल करके हम ले सकते हैं, लेकिन लेना क्यों है अर्जुन ऐसे में, मुझे ये समझ में नहीं आती। ऐसे में हृदय को पोषण देने वाला कुछ कफ शामक दवाइयां आपको प्रयोग करनी चाहिए, या किसी आयुर्वेदिक जो चिकित्सक है उसके परामर्श से आप यहां दवाइयों का सेवन करें। कुछ लोग कहते हैं आयुर्वेदिक दवाई हानि नहीं करता, बिल्कुल ये झूठ बात है, गलत बात है। आयुर्वेदिक दवाई क्यों, साधारण गाय का दूध भी तो हानि करता है। आपने देखे नहीं, लौकी का जूस एक आदमी ने पिया और मर गया, बाबा रामदेव जी के ऊपर उसने केस कर दिया। जहां तक एंजाइटी, घबराहट और बेचैनी का सवाल है तो उसके संदर्भ में हम दूसरे वीडियो में आपको उसके उपाय, उसके इलाज बताएंगे। आज मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, एक ही तरीका, ये कारण है कि आपने कमेंट बॉक्स में नोट करना है कि उनमें से क्या आप गलत तरीका से एक्सरसाइज करते थे, अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए। क्या आप प्राणायाम इस तरह से जोर जोर से करते थे, अगर हाँ तो नोट करना है। क्या आप अर्जुन छाल का इस जो काढ़ा है उसका सेवन करते थे, अगर हाँ तो नोट करना है। क्या कुछ आप स्वस्थ रहने के लिए करते थे इससे पहले, उसे आपने
नोट करना है, ठीक है। या अगर आप किसी बात से परेशान थे पहले, मान लो कि आपके घर में झगड़ा हो गया या तलाक जैसी स्थिति आ गई या किसी की मौत हो गया, बहुत ज्यादा रोना पड़ा, आंखों से आंसू आ गया, इससे भी डिप्रेशन होती है, इससे भी घबराहट बढ़ती है, तो वो कौन सा कारण है आप लोगों ने नोट करना है। और जैसा जैसा आप लोग उसमें नोट उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसके आधार पर मैं फिर एक नोट बना करके आपको इस बेचैनी का, इस डिप्रेशन का और इस घबराहट जो आपको होती है उसका मैं इलाज एक कट्ठे में इस वीडियो के माध्यम से एक वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। आप सभी का जवाब भी आपको मिलेगा और उसके सेवन करने से आपको बेनिफिट भी मिलेगा। तो दोस्तों दीजिए विदा। यदि आप बेहतरीन आयुर्वेद सीखना चाहते हैं तो www.ayushyogi.com में जाइए। अभी हमारे वहां पर नाड़ी परीक्षण की, कैसे हम किसी व्यक्ति के नाड़ी को देख सकते हैं और उससे रोग पता लगा सकते हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष को अभी हम पढ़ रहे हैं वहां पर कि उससे भी हमें नाड़ी परीक्षण में, हालांकि वो अलग सा एक सिद्धांत है, ज्योतिष सीखने के बाद बहुत आनंद आता है रोग परीक्षण करने में। बहुत जल्द हम वहां पर मर्म चिकित्सा, बहुत जल्द हम वहां पर प्रैक्टिकल आयुर्वेदा, कैसे रसायन बनाना, द्रव्य गुण विज्ञान की बातें, चिकित्सा कैसे करना है, रोग को कैसे समझना है, सभी विषय के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज दीजिए विदा। जय श्री राम।